हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है स्तुति। आप देख रहे हैं लर्निंग फार्मेसी। तो चलिए आज कुछ नया सीखते हैं। आज की स्टूडियो में हम बात करेंगे कुछ ऐसे 5 बेसिक हेल्थ सप्लीमेंट्स की जो कि डॉक्टर्स के द्वारा हाईली प्रिस्क्राइब किए जाते हैं पर्सन को। अगर उस पर्सन की बॉडी में किसी भी तरह की डेफिशिएंसी है यानी कमी है उस चीज़ की, जैसे अगर आयरन सप्लीमेंट दिए जाते हैं अगर पर्सन की बॉडी में आयरन की कमी है, कैल्शियम सप्लीमेंट्स दिए जाते हैं अगर पर्सन की बॉडी में कैल्शियम की कमी है, तो ऐसे ही 5 बेसिक हेल्थ सप्लीमेंट्स हाईली एडवाइज बाय डॉक्टर्स, वही हम डिस्कस करेंगे अपने आज के इस वीडियो में। देखिए, सबसे पहले जिस हेल्थ सप्लीमेंट की हम बात करेंगे वो है कैल्डिकाइन प्लस कैप्सूल। ये कैल्डिकाइन प्लस कैप्सूल जो है ये एक तरह का न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट है जो कि हमारी हड्डियों को मजबूत करने के लिए दिया जाता है डॉक्टर्स के द्वारा। अगर डॉक्टर को लगता है कि पर्सन की बॉडी में कैल्शियम की कमी है या ऑस्टियोपोरोसिस जैसी कंडीशन जहाँ पर जो हड्डी होती है उनमें पोर्स आ जाते हैं यानी छेद हो जाते हैं, इस तरह की कंडीशन या अर्थराइटिस जैसी कंडीशन, तो इन तीनों ही कंडीशन में एज अ हेल्थ सप्लीमेंट दिया जाता है ये कैल्डिकाइन प्लस कैप्सूल। अब इसकी डोसेज वगैरह कैसे लेनी है वो डॉक्टर ही डिसाइड करते हैं पर्सन की कंडीशन को देख के। इसी कॉम्पोजिशन आप अपने स्क्रीन पे देख रहे हैं कौन कौन से इसके केमिकल कॉम्पोजिशन, कौन कौन से एलिमेंट इसमें प्रेजेंट होते हैं। अब ये जो है देखिए बहुत ही ज्यादा प्रिस्क्राइब किया जाता है डॉक्टर्स के द्वारा कैल्शियम डेफिशिएंसी जैसी कंडीशन को ट्रीट करने के लिए। सो नेक्स्ट जिस हेल्थ सप्लीमेंट की हम बात करेंगे वो है डेक्सो ऑरेंज सीरप। ये डेक्सो ऑरेंज सीरप आपको मोस्टली सीरप के फॉर्म में मिलती है बट कुछ लोग कैप्सूल के फॉर्म में भी इसको कंज्यूम करते हैं। इसको खून बढ़ाने वाला सीरप माना जाता है। कॉम्पोजिशन की अगर आप बात करें तो इसमें प्रेजेंट होता है आयरन, वाइटामिन B12 एंड फोलिक एसिड। कितनी कितनी कंसेंट्रेशन में प्रेजेंट होता है वो आप अपने स्क्रीन पे देख रहे हैं। तो किस किस कंडीशन को ट्रीट करने के लिए इसको यूज किया जाता है? आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया यानी अगर खून की कमी हो गई है आयरन की शॉर्टेज के कारण बॉडी में, तो उस कंडीशन को ट्रीट करने के लिए डॉक्टर के द्वारा सजेस्ट किया जाता है पर्सन को ये लेने के लिए। फोलिक एसिड डेफिशिएंसी एंड विटामिन B12 डेफिशिएंसी, तो इन तीनों ही कंडीशन में प्रिस्क्राइब किया जाता है या एडवाइस किया जाता है डॉक्टर्स के द्वारा पर्सन को ये लेने के लिए। किस तरह से लेना है वो टोटली डिपेंड करता है पर्सन की कंडीशन में, कितनी ज्यादा डेफिशिएंसी है उसको उसकी बॉडी में आयरन, विटामिन B12 या फोलिक एसिड की। थर्ड जिस हेल्थ सप्लीमेंट की हम बात करेंगे बहुत ही पॉपुलर है वो लिमसी टैबलेट। लिमसी टैबलेट में प्रेजेंट होता है देखिए 500 mg एस्कॉर्बिक एसिड यानी विटामिन सी। अब देखिए जैसा कि हम सब जानते हैं विटामिन सी के हमारी बॉडी हमारे स्किन के लिए बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं, जैसे हमारी स्किन को अच्छा करता है, हमारी स्किन टोन को बेटर बनाता है, बॉडी में अगर कहीं इन्फ्लामेशन है तो उसको रिलीव करने का काम करता है, हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम को इम्प्रूव करने का काम होता है विटामिन सी का। अगर सन बर्न या सन टैनिंग हो गई है तो उसमें भी काफी रिलीफ मिलता है विटामिन सी से। तो इन सभी के लिए देखिए लिमसी टैबलेट का बहुत ज्यादा यूज किया जाता है। ये टैबलेट्स जो होती है च्यूएबल टैबलेट्स होती हैं यानी इनको आपको दिन में एक बार लेना होता है और इसको खाने के बाद आपको पानी पीने की जरूरत नहीं होती है। माउथ में रखते ही अपने आप ही घुलने लगती है और इसी तरह से आप इसको ले सकते हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही ज्यादा लिए जाने वाला हेल्थ सप्लीमेंट है लिमसी टैबलेट। सो नेक्स्ट जिस हेल्थ सप्लीमेंट की हम बात करेंगे वो है वाइटामिन D3 सप्लीमेंट यानी सिपकाल D3 सैशे। ये अगर किसी पर्सन की बॉडी में वाइटामिन डी की कमी है तो इसको सजेस्ट किया जाता है डॉक्टर्स के द्वारा कि ये पर्सन उसको कंज्यूम करें। किस तरह से लिया जाता है तो देखिए इसका एक सैशे होता है जिसमें 60,000 IU वाइटामिन D3 प्रेजेंट होती है। इसकी डोसेज वगैरह सभी प्रिस्क्राइब की जाती है डॉक्टर्स के द्वारा पर्सन की कंडीशन को ध्यान में रख के। एक 1/4 to 1 सैशे लिया जाता है, इसको दूध में मिला के लिया जाता है। और कितनी बार लेना है तो हफ्ते में एक दिन दिया जाता है या पर्सन की कंडीशन के अकॉर्डिंग इसकी फ्रिक्वेंसी बढ़ाई भी जा सकती है। इसको देखिए मोस्टली समझने वाली बात यह है कि इसको खाने के बाद या खाने के साथ ही लिया जाता है क्योंकि ये जो प्रिपरेशन होती है ये फैट सोल्यूबल होती है। खाने के बाद हमारे शरीर में चर्बी जो है वो थोड़ी बढ़ जाती है और उस कंडीशन में इस तरह के प्रिपरेशन का एब्जॉर्प्शन हमारी बॉडी में अच्छे से होता है। तो इस ये था देखिए वाइटामिन डी सप्लीमेंट के बारे में। एंड लास्ट में हम बात करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट हेल्थ सप्लीमेंट जिसको हम विटामिन बी कॉम्प्लेक्स विद B12 टैबलेट के नाम से भी जानते हैं, बहुत ही पॉपुलर है न्यूरोबियन 4 टैबलेट के नाम से। इसमें देखिए सारे ही विटामिन बी जैसे कि आप अपने स्क्रीन पे देख रहे हैं विटामिन B1 B2 B3 से लेकर विटामिन B12 सब कुछ प्रेजेंट होता है इस एक ही टैबलेट में। देखिए जब भी हमारी बॉडी में विटामिन बी की डेफिशिएंसी मोस्टली विटामिन B12 की जब डेफिशिएंसी होती है तो हमारे
हमारी स्किन पीली पड़ जाती है, आंखों की रोशनी भी कम हो जाती है, बहुत ज़्यादा थकान लगने लगती है, दिल जो है वो बहुत तेज़ तेज धड़कने लगता है, स्मूथ टंग जैसी कंडीशन हो जाती है। ये सभी होता है विटामिन B12 की डिफिशेंसी के कारण। हम तो इस तरह की कंडीशन को ट्रीट करने के लिए डॉक्टर एडवाइस करते हैं, न्यूरोपेन फोर्ट लेने को बोलते हैं। किस तरह से ली जाती है तो डोसेज डिसाइड करते हैं डॉक्टर पर्सन की कंडीशन को देख के, पर एक टैबलेट ली जाती है दिन में एक बार एज डायरेक्टेड बाई फिजिशियन। तो ये देखिए, हमने 5 बहुत ही बेसिक हेल्थ सप्लीमेंट आपसे डिस्कस किए हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा प्रिस्क्राइब या एडवाइस किए जाते हैं फिजिशियंस के द्वारा। इनमें से कोई भी सप्लीमेंट आपको बिना डॉक्टर के एडवाइस के नहीं लेना है, क्योंकि हर पर्सन की बॉडी अलग होती है, किस तरह से रिएक्ट करे कोई भी मेडिकेशन वो पर्सन की बॉडी पर डिपेंड करता है। हमारा बस पर्पस यही होता है आप तक सारी ही इन्फॉर्मेशन पहुँचाने का, ताकि आपको आपकी जो नॉलेज है मेडिकल फील्ड से रिलेटेड वो थोड़ी इंक्रीज हो पाए। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें इसी तरह की शॉर्ट एंड इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप अपना ध्यान रखें।